वेलकम दोस्तों। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं बहुत ही आसान सा हॉर्स का घोड़ी का ड्राइंग। कैसे देखने वाले हैं देखिए, इसके लिए हमें बस 5 नंबर और यल का जो आकार है इस तरह से वो चाहिए। बस इसी से ही हमारा सुंदर सा प्यारा सा बहुत ही आसान सा हॉर्स का ड्राइंग बनने वाला है। ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, अगर हॉर्स हमें इस तरह से निकालना है तो कागज़ को हम पहले ऐसा ऊपर की तरफ ले लेंगे, यानी इसे हम सीधा कर लेंगे और यहाँ पे इस तरह से हम बड़े से 5 एक बार ड्रॉ कर लेंगे। देखिएगा बहुत ही सिंपल सा ये हॉर्स का ड्राइंग होने वाला है। बिल्कुल जैसे 5 हम निकालते हैं उसी तरह से हमें ये निकालने हैं। देखिए अब इसमें कुछ भी झंझट वाला नहीं है, इस तरह से हमने 5 निकाल दिए। अब हमें करना क्या है, कागज़ को हमें फिर से सीधा करना है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेटे हुए 5 निकाल सकते हैं, नहीं तो सीधे 5 निकाल के कागज़ को इस तरह से सीधा कर सकते हैं। देखिए इस तरह से 5 बन गए। अब देखिए हमें क्या करना है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से लेंगे तो उसके हम पीछे के पैर बना देंगे इस तरह से कुछ, और यहाँ से इस तरह से कोना निकालेंगे, यहाँ नीचे तक लेंगे। देखिए उसका एक पीछे का पैर बन गया बहुत ही आसानी से। और यहीं से 5 का जो नीचे वाला हिस्सा है उसी में से हम उसकी पूंछ बनाएंगे कुछ इस तरह से। बहुत ही सिंपल सी ये टेक्निक है, आपको ये किसी ने नहीं बताई होंगी, आपके लिए आपके ड्राइंग टीचर सूरज ने बनाई है खास तौर से। देखिए और ये जो 5 का हिस्सा है इसे हम यहाँ तक जोड़ देंगे बस ज़रा तरीके से, ताकि उस पे जो बैठने के लिए एक आसन वगैरह होता है वो भी बन सके। देखिए इस तरह से बन गया। और यहाँ से जो उसके पैर रखने के लिए होता है, जो भी घुड़सवार उस पर बैठता है उसके लिए एक पैर रखने के लिए इस तरह से होता है, तो ये भी बन गया। तो देखिए इस प्रकार से 5 की मदद से हमने आधा घोड़ा तो बना दिया, और इससे थोड़ी हमारा पूरा घोड़ा बनेगा, हमें पूरा तो बनाना है। देखिए अब क्या करेंगे हम, ये जो 5 का जो नंबर है इसे हमें निकालना है, पर थोड़ा सा तिरछा निकालना है, अंदाज ले लेना है कहाँ पे उसका चेहरा आएगा। यहाँ पे तो उसका चेहरा नहीं आएगा और यहाँ पर भी नहीं आएगा, बिल्कुल यहाँ पे आएगा। तो हम क्या करेंगे, 5 का नंबर जो है वो कुछ इस तरह से निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। इस तरह से हमने यहाँ पे अंदाजा लेके उसका चेहरा कहाँ पे आएगा, तिरछे से इस तरह से 5 निकाल दिए। अब हमें क्या करना है, देखिए ये जो 5 का नीचे वाला हिस्सा है इसको हम लेंगे ऊपर इस तरह से, और यहाँ से इस वाले 5 तक जोड़ देंगे। बहुत ही सरल सा ये घोड़ा है, हॉर्स है। देखिए यहाँ तक बन गया, और ये जो 5 का ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ तक जोड़ देंगे। बस सीधा नहीं जोड़ना है हमें, कुछ इस तरह से जोड़ना है। देखिए कितनी आसानी से। अब क्या करेंगे, एक बार उसका हम चेहरा पूरा कर लेंगे। देखिए इस तरह से ये उसकी नाक वगैरह होगी, थोड़ी सी उसकी स्माइल हो गई, यहाँ पे उसकी हम आंखें बनाएंगे और यहाँ पे उसके हम कान बनाएंगे कुछ इस तरह से, ये उधर वाला कान। अब जो उसके बाल वगैरह होते हैं उसके गर्दन पर वो भी निकालेंगे, लहरदार, बिल्कुल रेस में दौड़ रहा है ये हमारा घोड़ा, तो इस तरह से वो दिखा सकते हैं हम। अब क्या रह गया, ऐसे तो नहीं होता है, ये तो कांगरू टाइप बन गया, इसको आगे के पैर भी लगाने हैं। तो हम लेंगे एल शेप का आधार। एल शेप कैसा लेंगे, उसे हमें उल्टा करना है। देखिए यहाँ से लेंगे हम इस तरह से एल शेप, देखिए ऐसा हमने तिरछा कर दिया एल शेप, है ना, इस तरह से वो बन गया। अब इसको हमें सिर्फ डबल लाइन करना है, देखिए इस तरह से डबल लाइन करेंगे तो उसके आगे के पैर बन गए, ये उसके खुर वगैरह, देखिए ये उसके आगे के पैर बन गए, लगभग घोड़ा हमारा तैयार हो गया। पर ये तो सिर्फ उसके दो ही पैर हो गए, अब उस साइड वाले जो पैर है वो भी हमें दिखाने हैं। सिंपली हमें इन पैरों को डबल लाइन करना है। देखिए बहुत ही आसान सा सिंपल सा ये तरीका है हॉर्स बनाने का 5 और रियल की मदद से। अब
आगे के पैर भी हम इस तरह से डबल लाइन करेंगे। बस एक दो बार इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए और बना के देखिए, आपको ज़िंदगी भर कभी भी घोड़े का ड्राइंग, हॉर्स का ड्राइंग बनाने में मुश्किल नहीं होगी। देखिए अब हम क्या करेंगे, इस पर हम कुछ डिज़ाइंस वगैरह बना सकते हैं। ये जो उसके पीठ पर होता है बैठने के लिए, घुड़सवार के लिए, उसको भी हम डबल लाइन करेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ से उसकी गर्दन भी हम थोड़ी सी ऐसी बनाएंगे, ये हम ब्लैक कर देंगे। और चाहे तो उसके पैर वगैरह, खुर वगैरह है, उनको भी हम ब्लैक करेंगे। अब जितना चाहे अच्छा इसे हम बना सकते हैं, कलर करेंगे अच्छी तरह से। देखिए कितने आसानी से हमारा हॉर्स बन गया। पहले क्या किया हमने, 5 नंबर ऐसे लेटे हुए निकाले, फिर यहाँ पे अंदाज़ा लिया चेहरा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी हमने 5 नंबर निकाला, फिर उनके पैरों के लिए यहाँ से हमने ईयर बनाया इस तरह से। तो इस तरह से हमारा हवा में छलांग मारता हुआ हॉर्स बन गया, घोड़ा बन गया। तो आप भी बना के ज़रूर देखिएगा, मैं एक बार इसे कलर कर लेता हूँ। तो इस घोड़े को हम सफ़ेद कलर में करने वाले हैं, तो सफ़ेद तो ऑलरेडी कागज़ हमारा है ही, तो हम क्या करेंगे, ब्लू कलर लेके ऐसे आउटलाइंस करेंगे ताकि उसकी शेडोज दिखे। देखिए इस तरह से हम बना सकते हैं, चाहे तो आप अलग अलग कलर में कलर भी कर सकते हैं। ये उसकी पूंछ, इसी तरह से और भी आसान आसान से ड्राइंग हमारे चैनल पर मौजूद है, आप वो देख सकते हैं, या डेली भी मैं अपलोड करता ही हूँ। आप सब्सक्राइब चैनल को कर ही लीजिए ताकि डेली हमारी मुलाकात हो सके, और मुझे आपको इस तरह से मज़ेदार मज़ेदार से ड्राइंग्स सिखाने का, बताने का मौका मिले। देखिए उसकी पीठ पर जो घुड़सवार के बैठने के लिए है, उसे भी कलर करेंगे। इस ड्राइंग को बनाइएगा ज़रूर, बहुत ही सिंपल सा ड्राइंग है, बहुत मेहनत लगती है इस तरीके से आसान से ट्रिक्स आपके लिए बनाने में। तो आप बनाइए इसे, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा कि आपने एक नया ड्राइंग आज सीखा है। देखिए 5 और रील की मदद से हमने छलांग मारता हुआ घोड़ा बना दिया। देखिए हमारा घोड़ा कैसे चलता है। तो कल हम फिर मिलते हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।